हाय गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप सिंगर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो आज का जो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो है गाइस, क्योंकि आज आप लोगों को मैं फाउंडेशन का वो सारा नॉलेज देने वाली हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो फाउंडेशन रिलेटेड वो सॉल्व होने वाला है। तो मैं फेस पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी फिलहाल माइक्रो नीडलिंग किया है, तो मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी हाथों पे एंड ऑल। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि कैसे आप लोगों को फाउंडेशन को बनाना है। तो उसके लिए देखो, मैंने ये पिगमेंट्स लिए हैं और ये करेक्टर्स ई पे भी रहते हो गाइज, आप लोग बहुत इजीली इसको खरीद सकते हो। लाइट फाउंडेशन लेके आओ, डार्क फाउंडेशन लेके आओ, फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, ये वो सब इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और हम लोग जब भी घर पे मेकअप करते हैं तो मोस्टली अपना फाउंडेशन ग्रे हो जाता है या काला हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज के जो वीडियो में मैं आपके साथ हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जो सलॉन हैक्स होते हैं गाइज, जो पार्लर हैक्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के हैक्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी जब भी मेकअप करो एकदम प्रो लगो और सब लोग आपको पूछे कि आपने कहाँ से मेकअप किया है, कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, तो देखो ये मेरे पास फेयर फाउंडेशन है नार्स का, फिजी शेड है, ठीक है, फिजी शेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं और हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं, फेस मॉइस्चराइजर लगाते हैं और फाउंडेशन लगाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इतना फेयर फाउंडेशन लगाते हैं गाइज, तो देखो ये इतना फेयर है कि ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, और फिर ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आइदर ये काला दिखेगा या तो ये ग्रे दिखने, थोड़ी देर के बाद ये आइदर फेयर दिखेगा या तो फिर ये काला दिखेगा। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग सलून जाते हैं अपना मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने ही नहीं आते। तो इसका जो हैक है, जो सलॉन हैक होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट के हैक्स होते हैं, वो क्या होता है, हम लोग करेक्शन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने करेक्शन किया, मतलब अगर आपके जो भी दाग है चेहरे पे, अगर मैंने लिया है ये करेक्टर, करेक्टर लिया मैंने और इसको मैंने लगा दिया है अभी मेरे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑरेंज लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, येल्लो लगाते हैं डायरेक्टली। इसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन कभी भी नहीं लगाते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर फिर अभी येल्लो लगाते हैं और अभी क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑरेंज, ओके। और अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को लगाते हैं जी, और ये वाला फाउंडेशन लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो सेम फाउंडेशन है गाइज, बट कितना अच्छा एक वार्म ग्लो आ रहा है फेस पे, राइट, बहुत ही अच्छा। और ये बाजू में जो मैंने लगाया था डायरेक्टली विदाउट ऑरेंज और येलो करेक्टर का, तो कैसा ग्रे दिख रहा है फाउंडेशन, राइट। अभी लगा के सिर्फ थोड़े ही सेकेंड्स हो गए हैं और वो एकदम ग्रे की तरफ जाने भी लगा है। और जब भी मैं येलो बेस दे रही हूँ नीचे और उसके ऊपर मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ गाइज, तो ये देखो ये कभी भी ग्रे नहीं होगा या काला नहीं होगा। तो आपको यही फर्क समझना है कि सलॉन सीक्रेट, पार्लर सीक्रेट यही है कि हमेशा करेक्शन के बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। तो ये दोनों फर्क आपको दिख रहा होगा। एंड आपको बोलते हैं कि हमको बहुत फेयर मेकअप चाहिए, तो आपको कभी भी फेयर मेकअप डायरेक्टली उठा के उनके चेहरे पे नहीं लगाना है, वो ऐसे दिखेगा, ग्रे दिखेगा। आपको हमेशा येलो बेस नीचे देना है और उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है, फिर वो बहुत ही प्यारा दिखेगा, ठीक है। आपका बेस बिल्कुल भी केकी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत टीटी में प्रोडक्ट लगाते हो, बहुत भर भर के हम लोग जब भी प्रोडक्ट को भरते हैं ना स्किन में, तभी मेकअप केकी लगता है। पतले पतले लेयर्स लगाते हैं तो मेकअप केकी नहीं लगेगा आपका। चलो ठीक है, ये तो मेरे को आ गया है, अभी मुझे इसको डार्क करना है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे डार्क करना है, मेरे पास ये एक ही फाउंडेशन है और दिख रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन चाहिए, मैं डार्क हूं, तो फिर मैं क्या करूंगी, देखो ये जैसे ही लगाया मैंने, अभी आपको पता है कि ये अभी थोड़ी देर के बाद ग्रे होने वाला है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें अपना ऑरेंज करेक्टर मिक्स करूंगी। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं पिगमेंट्स मिक्स करती हूँ, बट आपको पिगमेंट्स मिलने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैं ऑरेंज करेक्टर, ताकि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आप लोगों का कोई भी लाइट फाउंडेशन है उसको डार्क अगर आपको करना है, तो प्लीज उसमें थोड़ा सा आप लोग ऑरेंज करेक्टर अपना मिक्स कर देना, और फिर आपका फाउंडेशन जितना चाहिए उतना डार्क बनेगा। तो मैं आप लोगों को अभी बहुत सारा कुछ सिखाने वाली हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून। ये जो भी मैंने आपको बताया एक लाइन में अगर आपको समझना है, तो क्या है कि आप लोगों को ऑरेंज येलो ये पिगमेंट्स चाहिए, कलर्स चाहिए कोई भी फाउंडेशन को चेंज करने के लिए। और एक्चुअली सीक्रेट क्या है पता है, कि फाउंडेशन बनता ही है इन कलर से। तो अभी मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ। देखो अभी मेरे पास है ऑरेंज येलो और ब्लू, ठीक है, ये अपने प्राइमरी कलर्स है और इसी से फाउंडेशन बनता है गाइज। ये तीन है एले के पिगमेंट्स गाइज, एले गर्ल के, और ये है प्राइमरी कलर्स हमारे, तो इन्हीं से हमारा जो फाउंडेशन है वो बनता है। कैसे बनता है वो देखेंगे आज जल्दी से। और अगर आपके पास ये पिगमेंट्स नहीं है तो आप लोग करेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, ब्लू के जगह पे आप लोग ग्रीन करेक्टर उनका यूज कर सकते हो, और सेम यही से कर सकते हो जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ।
ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा ब्लू, ये तीनों अगर मैं लेती हूँ तो क्या कलर बनेगा अभी? ये बनेगा अच्छा सा एक ब्राउन कलर, स्किन कलर। तो अगर मैं अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे है फाउंडेशन राइट, इसमें थोड़ा सा और येलो मिक्स करूँगी और थोड़ा सा वाइट मिक्स करूँगी तो क्या हो जाएगा? ये अभी एकदम लाइट स्किन टोन का बन गया। ये डार्क स्किन टोन का बना था फाउंडेशन, ये हो गया है लाइट स्किन टोन का फाउंडेशन। देखो करेक्ट। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन कलर नहीं है, हम लोग इसी के साथ खेल रहे हैं। ये हो गया लाइट स्किन टोन का फाउंडेशन, येलो और व्हाइट मिक्स किया मैंने इसी में। अगर मुझे लग रहा है कि अरे ये थोड़ा सा ज्यादा ही येल्लो हो गया है तो येल्लोनेस को मुझे अभी कम करना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दूंगी। न्यूट्रल मुझे बनाना है, बहुत वार्म नहीं चाहिए मुझे, न्यूट्रल बनाना है इसको अभी। तो इसको मैं अभी एकदम ब्लू मिक्स करूंगी। तो अभी देखो इसका शेड तो क्या हो गया, अभी ये न्यूट्रल टोन में आ गया है। इसमें थोड़ा सा वार्म थोड़ा ज्यादा था और इसमें देखो कलर ही नहीं है कोई भी। तो कैसे आप लोग पहचानोगे न्यूट्रल शेड का? तो ऐसा कलरलेस बनता है फाउंडेशन, तभी आपको पता चलेगा कि ठीक है ये न्यूट्रल शेड का बन गया। लग रहा है कि ठीक है मेरे को इसको अभी थोड़ा सा डार्क बनाना है तो मैं क्या करूंगी, डार्क बनाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करूंगी इसमें। अब मिक्स करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि अरे ऑरेंज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इतना ऑरेंज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा लाइट करना है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर दूंगी इसमें। और अभी इसको देखो यहाँ पे स्वॉच किया, एकदम अच्छे से कूल टोन का फाउंडेशन बन गया है। ये वार्म टोन का बना था, ये मीडियम टोन का बना है, ये न्यूट्रल टोन का और ये कूल टोन का एकदम पिंक टोन में चला गया है। कैसे? क्योंकि मैंने ऑरेंज और व्हाइट, अभी कोई ऑलिव स्किन टोन की आती है तो ऑलिव कलर क्या होता है, ग्रीन होता है उनके फाउंडेशन में मिक्स्ड, तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा येल्लो मिक्स करोगे और थोड़ा सा ब्लू मिक्स करोगे। तो येल्लो और ब्लू मिक्स होके क्या बनेगा कलर, ग्रीन कलर बनता है। तो इसलिए आपका जो भी फाउंडेशन है उसमें जब आप लोग येल्लो और ग्रीन मिक्स कर दोगे अच्छे से, सॉरी येल्लो और ब्लू मिक्स कर दोगे ना अच्छे से, तो ग्रीन टोन देगा वो फाउंडेशन को और आपका जो फाउंडेशन है वो एकदम ऑलिव टोन में चला जाएगा। देखो ये ऐसा ऑलिव टोन में चला जाएगा, ग्रीन टोन में थोड़ा सा। और फिर लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे थोड़ा सा और चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा और ब्लू और येल्लो को इसको मिक्स कर सकते हो। तो ये एकदम अभी बहुत ही अच्छे से ऑलिव की तरह चल गया है। देखो अभी एक ही हम लोगों ने सिर्फ ये कलर पिगमेंट्स यूज किए और उसमें देखो डार्क टोन बन गया पहले, मीडियम टोन, न्यूट्रल टोन, ये एकदम फेयर पिंक टोन, ये एकदम ऑलिव, वार्म ऑलिव टोन के लिए। अभी अगर आपको गोल्डन अंडरटोन में फाउंडेशन बनाना है तो गोल्डन क्या होता है, उसमें येल्लो बहुत ज्यादा होता है, तो डार्क स्किन का फाउंडेशन है इनकेस। अगर आपके पास देखो ये थोड़ा सा मैं ऑरेंज ले रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा फाउंडेशन बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये बन गया है मेरा स्किन कलर का फाउंडेशन, यहाँ पे स्किन कलर बन गया। अभी मुझे इसको देखो यहाँ पे ये कलर बन गया है, बट अभी मुझे इसको और थोड़ा गोल्डन टोन में लेके जाना है, थोड़ा सा इसमें पीच मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो गोल्डन टोन में अगर आपको लेके जाना है तो आप लोग क्या करोगे, येल्लो मिक्स करोगे फाउंडेशन में। तो कोई भी फाउंडेशन है आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पीची है तो आप लोग उसमें आपको येल्लो मिक्स करना है। जैसे ही आप लोग येल्लो मिक्स करते हो अपने फाउंडेशन में तो वो बहुत ही अच्छा एक गोल्डन टोन में चला जाता है और बहुत अच्छा ग्लो देता है क्लाइंट पे। समझ में आ रहा है गाइस अच्छे से? अभी मैंने यहाँ पे इतने सारे फाउंडेशंस बनाए हैं, ये डार्क स्किन टोन का फाउंडेशन है जिसका अंडरटोन एकदम ऑरेंज में आपको दिख रहा होगा, फिर इसको थोड़ा सा हमने लाइट किया, उसको और लाइट किया, उसको और लाइट किया, पिंक टोन में लेके गए, फिर उसको ऑलिव टोन में लेके आए और अभी ये वाला गोल्डन टोन में लेके गए। तो सिर्फ आप लोग पिगमेंट से भी इतने सारे फाउंडेशंस बना सकते हो, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि अरे कौन सा फाउंडेशन यूज करें क्या करें, तो ऐसे आप लोगों को फाउंडेशन बनाना है, ठीक है। अभी अगर इसी बेस को मुझे थोड़ा सा लाइट करना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर दूंगी। तो जैसे आप लोग व्हाइट मिक्स करोगे तो क्या होगा, एकदम लाइट स्किन टोन के लिए हो जाएगा। देखा इसमें गोल्डन ज्यादा है, इसमें क्या है, ये थोड़ा फेयर स्किन टोन के लिए बना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी बेस में हम लोग अभी थोड़ा सा वार्म टोन भी चाहिए मुझे, थोड़ा सा फेयर भी चाहिए, तो येल्लो और व्हाइट मिक्स करेंगे। तो येल्लो और व्हाइट मिक्स किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इसको स्वॉच किया, तो देखो
ये और थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा ये लाइट हो गया है। आई होप आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा अच्छे से। अभी अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डार्क टोन में जाना है तो ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लू, अगर आपको लग रहा है कि अरे बहुत ही ज्यादा ऑरेंज बहुत ज्यादा है तो उसको ब्लू से आप लोग काट सकते हो। ये देखो एकदम लाइट टोन में आ गया है। ओके, तो जितना व्हाइट ऐड करते जाओगे गाइस तो उतना ही लाइट स्किन टोन में बनता है। और ये और ये अगर आप लोग फर्क देखोगे तो एकदम पिंक टोन में बन गया है ये, क्योंकि इसमें ऑरेंज और व्हाइट हमने मिक्स किया था, बट इसमें ब्लू भी मिक्स किया है हमने, तो ये एकदम पिंक नहीं बना है। तो ये फेयर स्किन के लिए पीच टोन में बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है। अभी आपको जितना भी व्हाइट करते जाना है गाइज, आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें व्हाइट मिक्स करते जाना है। जितना ज्यादा आप लोग व्हाइट मिक्स करते जाओगे उतना ही ज्यादा आप लोग लाइट लाइट फाउंडेशन बनाते जाओगे। देखो और व्हाइट मैंने मिक्स किया और व्हाइट, ये देखो ये एक वर्जन था, उसमें और व्हाइट मिक्स किया और व्हाइट हो गया और व्हाइट हो गया, और जितना चाहिए उतना व्हाइट मिक्स करते जाओगे। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी फाउंडेशन को डार्क करें तो ऑरेंज मिक्स करते हैं, ऑरेंज अगर बहुत ज्यादा हो गया तो येलो और ब्लू उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा, तो आपको वैसे देखना है। फिर अगर आपको गोल्डन करना है किसी भी फाउंडेशन को तो आपको क्या करना है, उसमें येल्लो टोन उसमें मिक्स करना है, जैसे मैंने इसमें किया था, येल्लो ज्यादा मिक्स किया। कोई भी वार्म है बट पीच अंडरटोन नहीं है उनका, वार्म अंडरटोन है, तो फिर आप लोगों को येल्लो पिगमेंट उसमें मिक्स करना है। तो देखो इतने सारे फाउंडेशंस बनाए हैं हमने, कोई फाउंडेशन का कलर नहीं लिया था, ऑरेंज येल्लो ब्लू और व्हाइट, ये चारों कलर में से इतने सारे फाउंडेशंस हमने बनाए हैं जो हर एक स्किन टाइप के लिए हो जाएगा गाइज, और हर एक स्किन टोन के लिए भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा डार्क स्किन टोन है तो आप लोग ऐसे पैलेट्स भी ले सकते हो। ये वाला जो कलर है ये ब्राउन कलर है, तो ये वाला कलर अगर मैं लूंगी थोड़ा सा, ये ब्राउन कलर इसमें मिक्स किया तो क्या हो रहा है, देखो डार्क बन रहा है फाउंडेशन। तो वैसे ही आपको अभी ये लेना होगा, जितना चाहिए आप लोग उसको डार्क बना सकते हैं फाउंडेशन को, जितनी आपकी डार्क है क्लाइंट उतना आप लोग उसमें वो ब्राउन कलर मिक्स करो। तो अभी ये देखो ये परफेक्ट हो गया है अभी डार्क स्किन टोन। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं इससे भी डार्क है मेरी क्लाइंट, तो फिर आप लोग क्या करोगे, उससे डार्क अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, वो मेरे पास लास्ट डार्क था, उससे डार्क अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी ये अपना कोई भी लिक्विड आईलाइनर लूंगी, या तो अगर आपके पास लिप पैलेट है, लिप पैलेट है तो उसमें से ब्लैक कलर आप लोग ले सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अप्लेजा का लिक्विड है ये ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसको यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो ये क्या कर रही हूँ मैं अभी, देखो ये ब्लैक है, ये ब्लैक लिया थोड़ा सा और इसमें मिक्स कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको अभी कर रही हूँ ब्लैक के साथ मिक्स, तो ये और डार्क टोन में चला गया है, और डार्क टोन में चला गया, पहले लाइट था। डार्क स्किन है किसी की तो एकदम परफेक्टली ये मैच हो। चार पिगमेंट से आप लोग इतने सारे फाउंडेशंस बना सकते हो गाइस, फेयर से लेके मीडियम से लेके डार्क तक हर एक स्किन टोन के लिए। अगर आपके पास पिगमेंट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप लोग ऐसे करेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, येल्लो ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन करेक्टर। अगर आप लोगों को ब्लू चाहिए, ब्लू नहीं मिल रहा है राइट, ये अफ्लर्जा के लिक्विड आई शेडोज भी ले सकते हो गाइज। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने एक फाउंडेशन को देखो कैसे डार्क किया, उसमें थोड़ा सा ये ब्लैक लिक्विड आई शेडो मिक्स किया राइट, तो डार्क हो गया। अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, बहुत ज्यादा येल्लो है, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें ये ब्लू मिक्स कर सकते हो। अगर आपको किसी भी फाउंडेशन को ऑलिव में लाना है तो आप लोग ये थोड़ा सा ग्रीन उसमें मिक्स कर सकते हो। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि आप लोग ज्यादा, बट अगर आपको ये पिगमेंट्स मिलते हैं गाइज तो एकदम बेस्ट हो जाएगा, नहीं मिलते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड आई शेडो भी अपने फाउंडेशन में मिक्स करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें व्हाइट भी आता है गाइज, मुझे मिल नहीं रहा है कल का ये पिगमेंट, आपको मिल जाएगा इस मेकअप मिस्ट्री में मिल जाएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी, वहां से आप लोग ले सकते हो, या तो फिर आप लोग ये करेक्टर्स आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, नाइका पे मिल जाएगा, आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा, जो भी मैंने फाउंडेशन बनाए हैं आपके लिए इस पिगमेंट्स को यूज करके, जो भी क्वेश्चन है फाउंडेशन रिलेटेड वो आज सॉल्व हो जाने चाहिए, नहीं हुआ है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना, और लाइक करना वीडियो को गाइज भूलना मत, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक, और बेल बटन भी क्लिक करो ताकि आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।